हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आज आपको फैंटेसी पावर 11 के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, फैंटेसी पावर 11 एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप है, जैसे कि ड्रीम 11, ठीक है। लेकिन फैंटेसी पावर 11 में कुछ खास फीचर्स हैं जो कि ड्रीम 11 में नहीं है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको 100 रुपये बोनस मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पर पेटीएम और बैंक में विड्रॉ मिलता है, वो भी इंस्टेंट विड्रॉ भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है आप किसी लीग में 20%, 10%, 50%, 100% बोनस का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ खास फीचर्स हैं जो फैंटेसी पावर 11 में है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर आपको बताऊंगा डिपॉजिट कैसे करना है, टीम कैसे बनानी है, विड्रॉ कैसे करना है, सारा कुछ बताऊंगा फैंटेसी पावर 11 के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप ऑनलाइन बेटिंग में इंटरेस्टेड हो, आप स्पोर्ट्स में बेटिंग लगाना चाहते हो, तो इस ऐप का नाम है 1xBet, ठीक है। और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको यहाँ पर 100% डिपॉजिट बोनस भी मिल जाएगा अप टू 8000, ठीक है। तो अगर आपको बेटिंग में इंटरेस्टेड है तो आप ये ऐप को यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फैंटेसी पावर 11 में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस ऐप की, तो वहाँ से इसे आपको डाउनलोड कर लेना। अब आपको सिंपल से यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, ओके। तो रजिस्टर नाउ पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, मोबाइल नंबर आपको डालना है, अपना ईमेल यहाँ पर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और कंफर्म पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद एक्सेप्ट कर देना है और क्रिएट अकाउंट, और आपका अकाउंट डेफिनेटली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जब आप ये सारी डिटेल्स डाल दोगे। तो रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी आसान है, तो मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, राइट। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि जैसे मैंने लॉगिन कर लिया है, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रैच कार्ड भी मिलता है, ठीक है। और जिस स्क्रैच कार्ड में जितना भी अमाउंट आपको खुलेगा वो आपको बोनस मिलेगा उतना। जैसे कि मैं स्क्रैच करता हूँ, ये हर रोज़ आपको जो है स्क्रैच कार्ड मिलता है, जैसे कि ये अभी मैं यहाँ पर स्क्रैच करता हूँ, देखता हूँ मैंने कितना बोनस विन किया या मुझे कितना बोनस मिला। ये देखो 19 रुपये मुझे यहाँ पर बोनस मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर रोज़ स्क्रैच कार्ड आपको मिलते हैं, और आपको कुछ इस तरीके से कभी 10 बोनस, कभी 50, कभी 100, इस तरीके से बोनस मिलता है स्क्रैच कार्ड में। तो पहला फीचर तो ये है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद अगला फीचर यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिपॉजिट कैसे करना है। और एक और चीज़, आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 100 रुपये दिखेंगे, राइट। आपको यहाँ पर 100 रुपये दिखेंगे, क्योंकि अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको 100 साइनअप बोनस मिलेगा, राइट। तो आपको 100 रुपये मिल चुका होगा, अभी मेरे यहाँ बता नहीं रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। तो चलिए, बोनस आपको मिल जाएगा। अब आपको करना है कैसे, यहाँ पर अगर आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है, तो डिपॉजिट करना है तो ऊपर डिपॉजिट का एक ऑप्शन है, यहाँ पर माई अकाउंट पर जाओ और ऐड कैश का ऑप्शन है, और यहाँ पर जितना चाहो उतना कैश यहाँ पर ऐड कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने ऐड कर लिया कैश, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको टीम कैसे बनाने। टीम बनाने के लिए मैच पर क्लिक करो, उसके बाद माय टीम पर क्लिक करो और क्रिएट टीम पर क्लिक करो। और देखो, यहाँ पर आप 1 से 4 विकेट कीपर चूज़ कर सकते हो, तो लेट से मैं कर देता हूँ यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप बैटिंग में 3 से 6 बैट्समैन सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं कोई से भी यहाँ पर बैट्समैन सेलेक्ट कर देता हूँ। ऑलराउंडर में आप 1 से 4 ऑलराउंडर सेलेक्ट कर सकते हो। बॉलर्स में आप जो है 3 से 6 प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखो, मैंने टीम बना ली है। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन डिसाइड कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पर अच्छा फीचर मिलता है कि आपको पता चल जाता है कितना परसेंट किन लोगों ने, कितना ज़्यादातर लोग किस कैप्टन को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो अभी मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ और मेरी टीम बन गई। अब यहाँ पर आप देखो तो आपको कॉन्टेस्ट काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जिसमें आप किसी में 5%, किसी में 10% बोनस का यूज़ कर सकते हो, किसी में 50 और किसी में 100% का तक भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ी सी है ना। तो यही मैं यहाँ पर काफ़ी सारे आपको जो है कॉन्टेस्ट मिल जाते हैं, तो किसी भी कॉन्टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट यहाँ पर कॉन्टेस्ट हैं। अब यहाँ पर अगले फीचर्स की बात करते हैं, तो वो फीचर है दोस्तों, यहाँ पर आप जो है फुल मैच में तो आप टीम लगा ही सकते हो, यहाँ पर अलग से बैटिंग भी, अगर आप सिर्फ बैटिंग के लिए लगाना चाहते हो, फैंटेसी टीम बनाना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, सिर्फ बॉलिंग के लिए भी कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर मैं, चलिए मैंने आपको टीम बनाना सिखा दिया, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको किस तरीके से रेफ़र का आपको बता देता हूँ कि रेफ़र करोगे तो कितना मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल से क्लिक करो रेफ़र एंड अर्न पे, तो अगर आप देख सकते हो, अगर आप किसी को रेफ़र करते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ रेफ़र एंड अर्न मिलेगा, प्लस आपको 25% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा,
ठीक है, अगर आप किसी को रेफ़र करते हो तो। चलिए ये बात हो गई इस ऐप की, ठीक है, कि आपको रेफर एनाउन पे 100 रुपीज़ मिलेगा। अब विड्रॉ कैसे करना है, तो विड्रॉ के लिए आपको सबसे पहले वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करना है, और आपको अपना वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करके अपना वेरीफाई कर लेना है अकाउंट। जैसे कि अगर आपको पेटीएम से लेना है तो आई थिंक कोई पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल से अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। और विड्रॉ करने के लिए अकाउंट पर जाओ और विड्रॉ पर क्लिक करो, और आप जितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहो कर सकते हो। मिनिमम विड्रॉ यहाँ पर आप देख सकते हो, मिनिमम विड्रॉ यहाँ पर 100 रुपये है, ठीक है। तो मिनिमम विड्रॉ आप पेटीएम में 100 रुपये और बैंक में 300, तो आप पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो या फिर आप बैंक में कर सकते हो, आपकी इच्छा, जिसमें आप विड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यही था इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।